हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आशिता। आप मुझसे कई बार मिल चुके हैं और आज हमारे साथ एक नया मेहमान है जिसका नाम है शलोम। और ये आज हम लोगों की हेल्प करेगा वीडियो बनाने में और आप लोगों को बताने में कि किस तरीके से हमें ये सारे टूल्स जो कि गार्डनिंग टूल्स हैं किस तरीके से यूज करने हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं स्पर्ट से। स्पर्ट यानी खुरपी, ये सबसे कॉमन टूल है। और एक बहुत जरूरी चीज कि हम लोगों को अपने टूल्स हमेशा धो करके रखने चाहिए, क्यों नहीं तो सब में जो है वो जंक लग जाएगी, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरी स्पर्ट में भी लग गई है। और अब आइए शलोम हमको गाइड करेगा कि किस तरीके से हमें ये सारे टूल्स को यूज करना है। शलोम होल्ड दिस, ये है स्पर्ट और ये जो है वो हिंदी में खुरपी के नाम से जानी जाती है और ये गुड़ाई के काम में यूज आती है। इसको कुछ इस तरीके से हम अपने गमलों में यूज करते हैं। शलोम अच्छा लग रहा है? यस। आप तो करते रहते हैं। चीज़ और, आपको ग्लव्स यूज करना चाहिए अपने हाथों को प्रोटेक्ट करने के। अगर कोई ऐसे पौधे हो जो जिसमें कांटे हो तो उसमें यूज करिएगा ग्लव्स। उससे क्या होगा शलोम? उससे आपके उंगली और हाथ दोनों वो रहेंगे, प्रोटेक्टेड रहेंगे। ओके, दैट्स नाइस। एंड अब शलोम हम लोगों को बताएगा कि हम लोगों को ट्रबल किस तरीके से यूज करनी चाहिए। ये गमले में मिट्टी डालने के यूज में आती है। इस तरीके से आप इसको मिट्टी उठाइए और आप किसी भी गमले में ऐसे करके डाल सकते हैं। ये दो तीन साइजेस में आती हैं। एक ये देखिए, मेरे पास एक ये छोटी है और एक ये बड़ी है। इनसे बड़ी और इनसे छोटी भी आती हैं। तो आप इस तरीके के ट्रबल्स अपने लिए अपने घर में रख सकते हैं, अपने गमलों में मिट्टी फिल करने के लिए। नेक्स्ट जो हम लोग यूज करने जा रहे हैं वो है कल्टीवेटर। ये कल्टीवेटर है और ये अगर आपके गार्डन में मिट्टी बहुत ज़्यादा कड़ी हो गई है तो उसके लिए ये यूज़ किया जाता है। इसको आप पहले ज़मीन में इस तरीके से डालते हैं, चलो आप भी सीखिए, है ना, इस तरीके से डालते हैं और ऐसे करके आप मिट्टी को लूज करते हैं और उसके बाद वापस उसको इसी कल्टीवेटर की हेल्प से ही वापस डाल देते हैं। सो दिस इज द वे वी यूज द कल्टीवेटर। नेक्स्ट हम लोग जो यूज करने जा रहे हैं वो है गार्डन फोक। गार्डन फोक बहुत ज्यादा हार्ड मिट्टी को नीचे से अंदर डाल करके और ऊपर लाने के काम में आता है। जब आपकी मिट्टी बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है गार्डन की प्लांट्स के लिए तो उस समय इसको कुछ इस तरीके से यूज़ किया जाता है मिट्टी लूज करने के लिए। आजकल ये बहुत छोटे और बड़े साइजेस में भी आते हैं। अब चलो हम लोगों को बताएगा कि वीडर का यूज़ किस तरीके से किया जाता है। इस तरीके से बहुत ईजिली वीडर की हेल्प से आप अपने गार्डन में से ग्रास को निकाल सकते हैं कुछ इस तरीके से और फिर आप उसको हटा दीजिए। और ये छोटे गमलों में गुड़ा लगाने के भी काम में आता है। सो दिस इज द वे हाउ वी यूज द वीडर। देखिए वीडर ने जो है वो वीट को बाहर निकाल दिया है। ये मेरे पास दो तीन साइजेस के हैं और ये मार्केट में छोटे बड़े भी मिल जाते हैं। मैंने ये वाला नया लिया है, साइज इसका थोड़ा सा छोटा है। ये मैंने अमेजोन से मंगवाया था एंड आई होप आप लोग भी पसंद करेंगे इसको, बिकॉज ये मुझे बहुत अच्छा लगा। इसका साइज, इसका कलर एंड ये बहुत ही यूजफुल चीज़ है। इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ये मेरे पास दो प्रूनर्स हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं एक थोड़ा बड़ा है और हैवी है। ये जो है वो नॉर्मली मोटी और बहुत थिक जो ब्रांचेस होती हैं उनको काटने के काम में आता है। और ये जो है वो मैं इसको नहीं देती हूँ बिकॉज दिस इज समथिंग विच इज हार्मफुल फॉर हिम। हाँ, ये छोटा सा प्रूनर है एंड ही एंजॉयज वर्किंग विद इट। ये जो है वो लीव्स और पतली पतली जैसे इसके हैं ग्रीन स्टेम्स छोटे छोटे वो काटने के काम में आते हैं लाइक दिस। सो दिस इज समथिंग विच इज वेरी इजी एंड वेरी हैंडी और ये आपके पास एक होना चाहिए। अब इन इंस्ट्रूमेंट्स को काम कर लिया है, सब कुछ खत्म हो गया है। अब इन सबको हम लोग जो है वो धो के रख देंगे सो दैट ये हमारे पास
बहुत दिनों तक चलते रहें। एंड आई होप शलोम के साथ आपको काम करके मज़ा आया होगा, मुझे तो बहुत आता है बिकॉज ही हेल्प्स मी अ लॉट। मॉर्निंग में मेरे गार्डन में पानी डालने में, बहुत सारी चीज़ों में ये हेल्प करता है। सो थैंक यू शलोम। एंड अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, दिस इज़ अ रिमाइंडर वंस अगेन, नहीं किया है तो कर दें, हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक ना लाइक बटन ना दोबारा भूलिएगा। धन्यवाद।